नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बीसीई सीईबी ने अमीन पद के लिए रिक्तियां निकाली हैं। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत अमीन के पद के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार के जो भी उम्मीदवार इच्छुक है उन्हें आधिकारिक अधिसूचना पढ़नी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, बीसीई सीईबी की तरफ से निकाली गई नियुक्तियों के लिए आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आसानी से ले सकते हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। औरंगाबाद के पर्यटन स्थल देव सूर्य मंदिर में आपको देखेगा बहुत कुछ खास। यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले के देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता है। तमाम हिंदू मंदिरों के विपरीत यह पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर देवार्क माना जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा फलदायी एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ एक रात में किया था। इस मंदिर के बाहर पाली लिपि में लिखित अभिलेख मिलने से पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं-9वीं सदी के बीच का मानते हैं। मंदिर के नामकरण और निर्माण को लेकर अनुश्रुतियों अपनी जगह है। पुरातात्विक प्रमाण भी इसकी प्राचीनता की ओर इशारा करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार विनोद कुमार सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके कारण ही उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान ही उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके गुजर जाने से बिहार सरकार के मंत्रियों ने अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विनोद कुमार सिंह के गुजरने को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति करार दिया है। साथ ही उनकी आत्मा को शांति देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि विनोद कुमार सिंह मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। 15 अक्टूबर से बिहार में चलेगी स्पेशल ट्रेनें। दुर्गा पूजा से पहले बिहार में स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर से रेलवे बोर्ड ने मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के विभिन्न स्टेशनों से कई जोड़ी ट्रेन का परिचालन करवाने का फैसला सुनाया है, जिसमें मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस भी शामिल है। इसके अलावा दरभंगा से अमृतसर के लिए गाड़ी संख्या 15211 और 12 का परिचालन भी करवाया जाएगा। इसी तरह मुजफ्फरपुर के रास्ते होकर चलने वाली दरभंगा लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस को भी नियमित करने की योजना बनाई गई है। इसमें उन्हीं ट्रेनों को शामिल किया जाएगा जिसमें अधिक भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। रेल मंडल ने इसके लिए प्रस्ताव जारी कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ट्रेनों का परिचालन करवाया जाएगा। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 732 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 1,97,000 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 3, औरंगाबाद में 12, बांका में 5, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 45, भोजपुर में 5, बक्सर में 20, दरभंगा में 11, पूर्वी चंपारण में 16, गया में 11, गोपालगंज में 19, जमुई में 3, जहानाबाद में 6, कैमूर में 5, कटिहार में 7, खगड़िया में 2, किशनगंज में 16, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 37, मधुबनी में 18, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 21, नवादा में 9, पटना में 217, पूर्णिया में 37, रोहतास में 15, सहरसा में 27, समस्तीपुर में 13, सारण में 5, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 10, सुपौल में 31, वैशाली में 9, पश्चिम चंपारण में 18 मामले सामने आए हैं। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के ग्रामीण ने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, जिसके तहत गांव में कई सालों से सरकारी भवन पड़े हैं, मगर इसके बावजूद 900 वोटरों को मतदान के लिए 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में मतदान के लिए जाना पड़ता है। इसलिए इस बार ग्रामीणों ने गांव में बूथ नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर बैनर भी लगा दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस बार मतदान केंद्र नहीं बनाए गए तो सभी लोग वोट का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही गुस्साए ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि कोरोना के माहौल में दूर जाकर मतदान करवाना संभव नहीं है, लिहाजा ग्रामीणों ने बूथ नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया है और नारेबाजी का काम शुरू कर दिया है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कैलाश पुरियाग की। बिहार के कैलाश पुरियाग का जन्म 12 दिसंबर 1947 को हुआ था। कैलाश पुरियाग मॉरिशस के एक पूर्व राजनेता है जिन्होंने 2012 से मई 2015 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें नेशनल असेंबली द्वारा मॉरिशस के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और 21 जुलाई 2012 को उन्हें पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को उत्तराधिकारी बनाया जिन्होंने 2003 से मार्च 2012 तक इस्तीफा देने तक 2003 से राष्ट्रपति के रूप में 9 साल बिताए थे। कैलाश ने इससे पहले संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। वहीं उन्होंने 1976 में कम उम्र में राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया था। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षा तक 50% कम होगा सिलेबस। सीबीएसई ने एक बार फिर से छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं का सिलेबस कम कर दिया है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण सिलेबस में यह बदलाव किया गया है जिसके तहत अब 20% की कटौती की जाएगी। हालांकि इससे पहले जुलाई महीने में 30% सिलेबस में कटौती की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड ने अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में कुल मिलाकर 50% सिलेबस में कटौती करने का विचार किया है। अधिकारियों की माने तो कोरोना के कारण वर्तमान समय में अधिकतर स्कूल कॉलेज बंद है, अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई नियमित नहीं हो पाई है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं का मानसिक तनाव ना हो इसलिए सिलेबस कम करने पर विचार किया जा रहा है। राजद का नया गाना हुआ जारी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजद का नया गाना जारी कर दिया गया है। जारी किए गए नए गाने में बिहार को भी दिखाया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे बिहार में बदलाव की लहर देखने को मिली है और कैसे बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार ने मजदूरों की पीड़ा देखी है, बिहार की तस्वीर अब बदलेगी, लोग मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे थे, बिहार ने 15 साल में बस तमाशा हासिल किया है। इस गाने को राजद नेता मनोज झा ने लॉन्च किया है। मनोज झा ने गाने को लॉन्च करते हुए कहा कि यह गाना बिहार में बदलाव की हवा महसूस करते हुए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में सर्वाधिक रैलियां करवाने की शुरू हुई तैयारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। बिहार के पटना में महावीर मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गया से आगाज कर दिया है। इसके साथ ही वो जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैली का आगाज करने वाले हैं। गौर करने की बात यह है कि भाजपा अब जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली रैली स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करने वाले वीर कुंवर सिंह की धरती आरा या फिर मोक्ष की धरती गया से होगी। हालांकि भाजपा के अंतिम रूप से कार्यक्रम नहीं किया है। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो पीएम और सीएम की पहली रैली आरा या गया से कराने का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। संभावना है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री की रैली हो सकती है। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने दिया तोहफा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा कर दी है। इसके तहत अब सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें यह इंटरेस्ट फ्री एडवांस है, इसे 10 किश्तों में वापस किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को यह लोन प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इसका इस्तेमाल POS मशीन पर ही किया जा सकता है और इसे पैसे को ATM से नहीं निकाला जा सकता। आपको बता दें उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया है। भागलपुर ट्रिपल आईटी के छात्र को मिला 30 लाख का पैकेज। भागलपुर ट्रिपल आईटी के अंतिम वर्ष के छात्र सुमित कुशवाहा को अमेजोन ने 30 लाख का पैकेज दिया है। 3 चरणों में चयन प्रक्रिया के बाद सुमित का चयन किया गया है जिसके बाद अब सुमित की 6 महीने की इंटर्नशिप करवाई जाएगी जिसमें सुमित को 60,000 रुपए प्रति महीने का पैकेज दिया जाएगा। भागलपुर ट्रिपल आईटी के PRO डॉक्टर धीरज कुमार सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि इससे पहले एक छात्र को नेशनल इंस्ट्रूमेंट में 12.50 लाख का पैकेज दिया गया था, यह दूसरा छात्र है। इसके अलावा 10 के करीब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां संपर्क में हैं जिसके स्वर चयन की प्रक्रिया चल रही है। 1 हफ्ते के अंदर और भी कई छात्रों का साक्षात्कार करवाया जाएगा। अब घर बैठे बैठे कर सकेंगे वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक। इस साल 3 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को भी मतदान करवाने की तैयारी हो रही है जिसके तहत वोटर लिस्ट में नाम चेक करने की प्रक्रिया में सहूलियत दी गई है। जिसके तहत वोटर लिस्ट में नाम होने की स्थिति में आम नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड नहीं होने की स्थिति में आधार कार्ड या बैंक के खाते की मदद से वोट दे सकेंगे। अब जब चुनाव प्रचार जोरों पर है तो मतदाता भी यह जानने को बेताब है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो आप बस 2 मिनट जान सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, जिसकी जानकारी अब आप बड़ी ही आसानी से चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप SMS के माध्यम से भी अपना नाम चेक कर सकते हैं जिसके लिए आपको बस 1950 पर SMS करना होगा।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में सेशन कोर्ट ने करण जौहर समेत सात को भेजा नोटिस। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई सेलिब्रिटीज की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एम्स के डॉक्टरों की तरफ से भेजे गए रिपोर्ट के बाद भी मुश्किलों का दौर जारी है। इसी क्रम में पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर के सेशन कोर्ट की तरफ से सत्र न्यायाधीश ने करण जौहर, आदित्य चोपड़ा समेत सात निर्देशकों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही इन सभी को 21 अक्टूबर को अदालत में पेश होने की मांग की है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के कथित तौर पर अपनी जान लेने की बात सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में 8 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई के दौरान उक्त फैसला लिया गया है, जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाल, भूषण कुमार, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली एवं दिनेश विजयन के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी को 21 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया है। मतदाता को जागरूक करने के लिए साइकिल पर सवार हुए कुमार रवि। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है, वहीं चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ना भी चुनाव में एक चुनौती बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि पटनावासियों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत खुद साइकिल से निकल पड़े थे। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करना था। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। चुनाव से पहले ही पीडीए गठबंधन में पड़ी फूट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में कई गठबंधन तैयार हो गए हैं। हालांकि चुनाव के माहौल में दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन जा प्रमुख पप्पू यादव को करारा झटका लगा है। विभिन्न दलों के साथ बनाए गए गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव मुख्तार अंसारी ने बताया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों पर सहमति नहीं बनने के कारण पीडीए गठबंधन से उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों के हिमायती बनने वाले पप्पू यादव ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में पीडीए का गठबंधन तो किया, मगर मुस्लिम लीग की मांग समझने में नाकामयाब रहे। बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने किया मैदान में उतरने से इनकार। सलाखों के पीछे बंद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी रण में उतरने से मना कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें सिवान जिले से रघुनाथपुर से मैदान में उतरने का प्रस्ताव दिया था। हिना शहाब के इनकार के बाद उनके करीबी हरिशंकर यादव को दोबारा राजद का टिकट मिल गया है। पिछली बार भी हिना ने हरिशंकर को ही चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया था, जिसके बाद उन्हें वहां से जीत मिली थी। गौर करने वाली बात यह है कि हिना शहाब मैदान में उतरी हैं, मगर वो साल 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। हालांकि एक समय था जब सिवान में शहाबुद्दीन का दरबार लगता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अपने वर्चुअल रैली की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन से अपने चुनावी मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं वर्चुअल माध्यम से लगभग 35 विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए कार्यकर्ताओं और वहां की आम जनता को संबोधित करते हुए एनडीए प्रत्याशियों को जीत दिलवाने की मुहिम में जुटने लगे हैं। साझा की गई जानकारी के अनुसार एनडीए गठबंधन के तहत जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी की तरफ से ताल ठोक रहे प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कम से कम 11 जनसभाओं का आयोजन करवाया जाएगा। साझा जनसभा का कार्यक्रम भी जल्द ही तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही 14 अक्टूबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से जनसभाओं को संबोधित करने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले हैं। लालू के दोनों लाल आज रोसड़ा से करेंगे चुनाव का आगाज। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आज रोसड़ा से चुनावी शंखनाद फूंकने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव आज एक साथ मैदान में उतरेंगे। हालांकि आज तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के साथ पहले हसनपुर जाएंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों रोसड़ा में चुनावी रैली में भाग लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि आज 10:30 बजे तेज प्रताप पर्चा भरेंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं। वहीं आज सबकी निगाह तेज प्रताप यादव के अनोखे अंदाज पर भी रहने वाली है। जदयू ने किया निश्चय नीतीश मुहिम की शुरुआत। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर अपने निश्चय नीतीश अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मुहिम के तहत बिहार के युवाओं को पार्टी से डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। सोमवार को जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की। निश्चय नीतीश अभियान से जुड़ने के लिए एक मोबाइल नंबर 8587985879 जारी किया है। इस मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देकर कोई भी जदयू से जुड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक मिस्ड कॉल मिलते ही पार्टी उस मोबाइल नंबर को अपने डिजिटल पोर्टल से जोड़ लेगी। इस मुहिम के साथ ही जदयू ने अब वोट फॉर नीतीश मुहिम की भी शुरुआत कर दी है। इसमें अपील की गई है कि निश्चय बनकर नीतीश कुमार से जुड़िए और उनके द्वारा किए गए हर सोशल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाइए।
राजद ने दूसरे चरण में 32 उम्मीदवारों को दिया टिकट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजद ने 32 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। इन उम्मीदवारों को पार्टी ने सिंबल दे दिया है, जल्द ही उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कई उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजद की दूसरी लिस्ट में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, अबू दोजान, लवली आनंद, ऋतु जायसवाल और लालू के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव जैसे बड़े नेता के नाम शामिल है। विराट अनुष्का के बाद अब जहीर सागरिका बनने वाले हैं पेरेंट्स। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन जहीर खान अब जल्द ही पापा बनने वाले हैं। आपको बता दें, साल 2017 में चक दे इंडिया की फेम सागरिका घाटकिक से उन्होंने शादी की थी। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक सागरिका प्रेग्नेंट है और जल्द ही दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। पृथ्वीराज के सेट पर लौटे अक्षय कुमार और सोनू सूद। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। यह फिल्म राजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी और उनकी वीरता पर आधारित होगी। कोरोना के फैलने से पहले ही इस फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब बाकी हिस्से की शूटिंग को पूरा करने के लिए वीआरएफ स्टूडियो के अंदर एक भव्य सेट बनाया जा रहा है। साथ ही कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा से जुड़ी सभी सावधानियों को पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। सिर्फ अक्षय ही नहीं बल्कि सोनू सूद भी शूट पर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म की रिकॉर्डिंग दिवाली के बाद शुरू करवा दी जाएगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,820 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,820 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। अब आसानी से आप भी अपने फोन में एक्टिवेट कर सकते हैं डार्क मोड। व्हाट्सएप आए दिन अपने यूजर के लिए नए नए फीचर को लाता रहता है। ऐसा ही कुछ पहले दिनों व्हाट्सएप ने मोस्ट अवेटेड डार्क मोड को अपने एंड्रॉयड, आईओएस और वेब ऐप के लिए पेश किया था। कोरोना के माहौल में लोगों के काम करने के समय में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में लोग अपनी आंखों को आराम देने के लिए डार्क मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके लिए सबसे पहले अपने फोन में व्हाट्सएप खोले और ऊपर दाहिने में दिख रहे तीन बिंदुओं पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में आपको चैट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और डिस्प्ले मेन्यू में जाएं। वहां जाकर थीम ऑप्शन पर क्लिक करें और जहां आपको डार्क मोड इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, डार्क मोड इनेबल करने के लिए डार्क ऑप्शन पर क्लिक करें और डिसेबल करने के लिए लाइट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑटोमेटिक सेटिंग का इनेबल करने के लिए सिस्टम डिफॉल्ट पर क्लिक करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नवीन पासवान, शंभु यादव, संदीप कुमार, आशीष कुमार, वीरेंद्र यादव, उजाला चौधरी, राकेश झा, साहिल कुमार, आशीष कुमार, पंकज कुमार, सिकेश कुमार, आशीष कुमार चौहान, प्रेम सागर कुमार, अरविंद प्रसाद, वरुण कुमार, धर्मेंद्र कुमार, राकेश कुमार, ओम प्रकाश झा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना का प्रभाव वोट डालने के प्रतिशत पर प्रभाव डालेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।